This is NDTV and you're watching NDTV Prime in association with Micromax, nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम नमस्कार मैं हूँ अंजलि स्टवाल आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट एनडी टी पर जरूर जाइए चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के शो में क्या क्या है खास मुंबई की सड़कों की भीड़भाड़ से निपटने के लिए बनी स्काई वॉक योजना है ठप फिर भी बनते जा रहे हैं स्काई वॉक क्यों मुंबई के लिए बनने वाली बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं सुलझाती हैं वहां की समस्याएं कानूनी दाव पेच में फंसी आपकी प्रॉपर्टी के हल बताएंगे हमारे एक्सपर्ट और बेंगलुरु की ऑफिस स्पेस में बढ़ती जा रही है ई कॉमर्स की मौजूदगी आज के शो में हम चर्चा करेंगे मुंबई और उसके नागरिकों के लिए वहां की सुविधाओं की लेकिन उससे पहले इन्हीं सुविधाओं में से एक स्काई वॉक पर एक नजर बड़े जोर शोर के साथ शुरू की गई इस योजना को जानकार असफल मानते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए इन स्काई वॉक्स को आखिर मुंबई कर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे ये जानने की कोशिश की आशीष भाटिया ने मुंबई में खासतौर से उस समय जब लोग घरों से दफ्तर या वापस घर जा रहे होते हैं तो शहर की सड़कें हों या लोकल ट्रेनें सबका बुरा हाल होता है शहर को बेहतर बनाने की मुहिम चलाने वाले कहते हैं की मुंबई करो ने खस्ता शहर के साथ जीना सीख लिया है लेकिन सवाल सरकार के उन बड़े बड़े दावों की तरफ खिंचता है कि स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम या जैसे प्रोजेक्ट्स लाने के बाद हालात सुधर जाएंगे लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला गवर्नमेंट को को आम यात्रियों को सुविधा के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता था जो स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट की स्कीम बनाई थी जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक करने वाली थी उस वक्त उस स्कीम की पूरी लागत सेवेंटी करोड़ रूपये थी डॉलर के के भाव बढ़ने के कारण बताकर ने कमर्शियल इलाकों को दूसरे ठिकानों से जोड़ना मकसद था स्वर्गीय विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ी धूमधाम के साथ पहला स्काईवॉक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दावा था कि भीड़ वाले इलाकों से बस स्टेशन टैक्सी स्टैंड बाजारों तक इनसे आसानी से पहुंचा जा सकेगा लेकिन सारी उम्मीदें हवा हो गई। पांच साल बाद उसी स्काई वॉक के साथ बने इन इंस्टॉलेशन की चमक फीकी पड़ गई है शहर के प्लानर्स कहते हैं कि उन्हें मालूम था स्काई वॉक प्रोजेक्ट का यही अंजाम होना है एम एम ने कई सालों से ये ये प्रोजेक्ट चलाया है और इसके जो इसके जो सक्सेस है वो अभी काफी तक काफ़ी तक काफ़ी हद तक डिबेटेड है uh, मेरा मानना ये है कि एम एम ने एक ऊपर uh, से सोचने का तरीका इसमें लगाया जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं uh, जो कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा है जिसका यू uh, नो you know, लेना देना इंजीनियरिंग से ज़्यादा है पर डिज़ाइन और uh, लोगों की ज़रूरतों से कम है uh, अब देखिए हमने यहाँ हज़ार यू you नो know, कई कई सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया पिछले कुछ सालों में ये सब स्काई वॉक बनाने के लिए ये जानते हुए भी कि वो स्काई वॉक्स पर लोगों लोगों की जो ज़रूरत है जितने फुटफॉल होने चाहिए जितने लोग उस पर चलने चाहिए वो नहीं हो रहा है तब भी हम बनाते जा रहे हैं अभी भी पचास करोड़ खर्च करने वाले फिर ती, ती, तीस करोड़ खर्च करने वाला हम तो रुक नहीं रहे हैं स्काई वॉक से उम्मीद थी कि नीचे की सड़कों का भार कम करेगा लेकिन हमने जब जाकर वहाँ देखा तो पाया कि वहाँ पर ज़्यादा लोग ही नहीं थे और जो आए भी थे उनके लिए स्काई वॉक शहर में खुली जगहों की कमी पूरा करने के काम आ रहा था बांद्रा स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ होती है उससे अच्छा है चल कर जाए एक्सरसाइज भी हो जाएगी बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज। पर अगर लाइटिंग रात को बराबर नहीं है और अगर पब्लिक का आना जाना कम है तो यहाँ पर एक दो पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए टू तो क्रिएट कॉन्फिडेंस इन पब्लिक सो दे एम ने शुरुआत में 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 रेलवे स्टेशनों पर स्काई वॉक्स बनाने को मंजूरी दी थी भले ही हर तरफ से इसकी आलोचना हो रही है लेकिन MMRDA जिसने 36 में से 28 स्काई वॉक्स बनाए हैं अपने सालाना बजट में इसके लिए पैसे रखता आ रहा है एम इन इंस्टॉलेशन से पैसे कमा रहा होगा लेकिन इस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं हजार करोड़ रूपए खर्च करने के बाद फिर एक बार उस पर करोड़ रूपए खर्चा करके कहीं कही ना कहीं तो पब्लिक का जो मनी है जो पब्लिक टैक्स का मनी है उसे वेस्टेज करने में जुटी हुई मुंबई कर ज़्यादा कुछ नहीं चाहते उन्हें बस इतना चाहिए कि अपनी भारी करों के बदले में शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जरूरत है सरकार और उनकी एजेंसियाँ ऐसी सुविधाएं दें जिनकी फिलहाल शहर में बहुत कमी है मुंबई से कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशीष भाटिया इन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कम्पटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले एक में एक में से पिचासीवां स्थान मिला था और इसके दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे एशियाई देशों की राजधानियों जैसे बीजिंग और बैंकॉक के आसपास भी नहीं हैं मुंबई जैसे शहर में जहाँ पैसे और कामगारों की कोई कमी नहीं है आखिर क्या वजह है कि वहाँ की सरकार और एजेंसियाँ बार बार प्लानिंग के लेवल पर या फिर प्लान को क्रियान्वित करने में कोई ना कोई चूक कर ही बैठती हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर बदामी जो कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग और रेल रोड प्रोफेशनल हैं और साथ ही हैं नितिन किलावाला जो कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं और डायरेक्टर हैं ग्रुप सेवन आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो सबसे पहले तो सुधीर जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वजह है अगर सिर्फ स्काई वॉक से ही शुरुआत करते हैं तो क्या वजह है कि एक प्लानिंग जो की गई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की बात कही गई और उसके बाद इतनी कोशिशें की गई तो क्यों इस तरह का जो खाका तैयार किया जाता है जो दूसरे देशों में काम कर जाता है हमारे यहाँ फेल हो गया पहली बात यह है कि जो स्काई वॉक किया है वो रेलवे स्टेशन से लोगों को कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए जहाँ पर बसों की सुविधा हो करके लेकिन स्टेशनों में दो या तीन एफ होते हैं फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं यदि हम केवल एक फ़ुट ओवर ब्रिज का वहाँ कनेक्ट करते हैं तो शायद एक तिहाई लोग ही उसका उपयोग कर सकेंगे ऐसी सुविधा आती है और उसमें भी जो स्टेशन रोड के पास होते हैं वहाँ के तो लोग आएंगे ही नहीं तो उससे भी एक तिहाई से शायद एक चौथाई लोग को ये सुविधा मिलती है तो ये लोग इसका इस्तेमाल कर करने की योग्य नहीं हो जाता है यदि सभी एफ ओ बीज का कनेक्शन हो जाए तो शायद उसका कुछ उपयोग हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो लेकिन डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी हाँ वही तो डिज़ाइन की बात है हमें सब तीन या चार एफ ओ का कनेक्शन कर दें एक शायद अभी हम देखें मेट्रो में कॉन्कोर्स लेवल होता है तो वहीं से हम प्लेटफॉर्म लेवल जाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ऐसी सुविधा आ जाए तो अच्छा होता है लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं क्योंकि उन्होंने सोचा रहेगा इतना पैसा क्यों खर्चा करें तो एक जरा कमी सुविधा कम देते हैं और देने के कारण उसकी उसका उपयोग भी कम करने वाले आ जाते हैं तो सुविधा बराबर होनी चाहिए जितने लोग हैं सभी को सुविधा चाहिए और एक और चीज़ की गई थी पहले प्लान किया था कि सात मीटर की चौड़ाई रखी थी और सात मीटर की चौड़ाई में तीन मीटर एक वेंडर्स के लिए रखा गया था लेकिन शायद पब्लिक ने कंप्लेंट की है और हाईकोर्ट में जाकर शायद मुझे याद नहीं है लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता था कि ये चार मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर केवल पाचारियों के लिए सुविधा होनी चाहिए न कि वेंडरों के लिए अभी वेंडर्स जहाँ होते ही वहीं तो पाचारी जाएंगे और खरीदेंगे तो वो लोग सब नीचे ही जाते हैं वेंडर्स के पास वो ऊपर चढ़ते ही नहीं है तो ऐसे ही और सुविधा हुई है इसलिए प्लानिंग बराबर होना चाहिए जी आ, नितिन जी आ, थाने में जो बना आ, उस स्काईवॉक में फिर भी आ, कहा जा रहा है कि थोड़ी सक्सेस देखी गई है आप क्या मानते हैं कि थाने का जो मॉडल था वो ठीक है वो जो पूरा सैटस सिस्टम वहाँ का बनाया गया है वो ठीक है या वहाँ पे भी कोई कमियाँ रह गई सी जो स्काई वॉक प्लानिंग की हुई है उसमें कोई स्टडी तो आई डोंट थिंक उन्होंने कहाँ भी किया है जहाँ जहाँ भी स्काई वॉक हुआ है वो सब कंजेस्टेड रोड्स है ऑलरेडी कंजेस्टेड रोड्स है काफ़ी जैसे सुधीर बदाम जी ने भी बताया कि वहाँ मार्केट्स है वेंडर्स रहते हैं और आप ऑल ऑफ सडन बीच में एक स्काई वॉक कंस्ट्रक्ट करो तो जो रोड्स जो कुछ भी अच्छे थे या बुरे थे जो भी विड थी वो आपने एंक्रोच कर डाले दूसरी चीज़ इन्होंने 720 करोड़ रुपया खर्चा किया तो कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं एज एन आर्किटेक्ट एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम एक मॉकअप बनाते हैं उसकी स्टडी करते हैं और क्या खामियां रहती है उसको हम बाद में इम्प्रोवाइज करते हैं यहाँ इंस्टेड ऑफ नोइंग ये एकदम फेलियर है एक्चुअली इट्स अ कंसपायर आप देखेंगे डिजाइन वाइज इट्स एब्सोल्युटली जीरो पुअर वर्कमैनशिप है और इट जो इन द नेम ऑफ पेडिस्टनाइजेशन एक्चुअली वो पेडिस्टन कोई ज़्यादा असुविधा होती है विथ दिस दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और जी, आपके जो विजुअल्स दिखा रहे हैं इट्स अ शेमफुल थिंग के आज की तारीख में वी, वी हैव मुंबई में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और जस्ट उससे फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स बाहर आप स्काईवॉक के हालत देखिए सुधीर जी जाहिर तौर पर अगर जैसा कि कहा जा रहा है नितिन जी कह रहे हैं कि कॉन्स्परेसी है ढंग से बनाते रहें तो क्या वजह है क्या डिज़ाइनर्स नहीं मिल पाते हैं या इच्छा शक्ति ही नहीं है कि सही तरीके से उसको बनाया जाए क्योंकि पैसा तो खर्च करना ही है अगर उसको ढंग से करेंगे तो लोगों की सुविधा होगी तो इस्तेमाल भी होगा नहीं इसमें क्या है पॉलिटिकल विल चाहिए अब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी देखे एम एम हो बी हो सिडको हो माड़ा हो उन लोग कितने आर्किटेक्ट्स अपॉइंट करते हैं कितने कंसल्टेंट्स अपॉइंट करते हैं दे मे बी हैविंग गुड कॉन्ट्रैक्टर्स पर एप्स और गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स लेकिन जहाँ तक डिजाइन का सवाल है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस का सवाल है वो एब्सोलुटली वो जीरो है कुछ है ही नहीं कोई वो 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 विजन ही नहीं है तो आई थिंक ये तो एनी पब्लिक बिल्डिंग आज आप कहाँ भी जाओ सिंगापुर में अभी मैं रिसेंटली गया था तो वहाँ भी ऐसा एक स्काईवक था तो देट स्काई वॉक बिकम्स अक्चुअली साइट सींग स्पॉट पहली चीज़ है मैं सिविल इंजीनियर हूँ लेकिन मेरा आर्किटेक्ट्स के साथ संबंध बढ़ा हुआ है प्रोफेशनली नहीं ज़्यादा लेकिन संबंध है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आर्किटेक्ट्स इमेजिनेशन करके करते हैं मेरे हिसाब से ये सब जो बनाए हैं डिज़ाइन सब मुझे लगता है किसी सिविल इंजीनियर बनाए हैं क्योंकि वो केवल स्ट्रक्चर uh, किस तरह होना चाहिए वैसे ही देखते हैं न कि उसकी क्या सुविधा हो और एस्थेटिक्स हो लेकिन ये भी नहीं सोचते होना कि, है कितना होना चाहिए ये सब तो इंजीनियर सोचते हैं नहीं सोचते क्या नहीं नहीं ये तो मेरे हिसाब से सोचा गया है क्योंकि ये सब ड्रॉइंग्स आखिर में फायर ब्रिगेड को जाती है और उनके अप्रूवल के साथ निकलती है लेकिन वहाँ पर भी शायद ट्रांसपेरेंसी हो हाँ। तो प्रॉब्लम निकलता है फिर आग लगने के बाद प्रॉब्लम होने के बाद कौन किसको चेतावनी देगा वॉन करेगा या अरेस्ट करेगा वो सब बात अलग है लेकिन फेट कंप्ली होने के बाद ऐसा होता है अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी ऐसे होते हैं दिल्ली में भी होते हैं मुंबई में होती है कई जगह होते हैं हम तो रूल्स फ्लॉउ करना चाहते हैं लेकिन हम रूल के मुताबिक जाना नहीं चाहते हैं जी थाने आप के आप स्टेशन में फिलहाल जो सेटिस का ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से एक गाड़ी नहीं जा सकती स्टेशन तक आ, ये हमारी रिसर्च में सामने आया खैर इस पर जाहिर तौर पर अब सरकार आ, गौर करेगी और आगे के आ, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ध्यान रखेगी लेकिन आ, अगर सिर्फ स्काई वॉक्स और सैटिस की ही बात ना करें मुंबई की ज, आ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनकी बात करें तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई पीछे ही रह जाता है नितिन जी आप क्या मानते हैं कि मुंबई और अगर दिल्ली को उसके साथ उसके मुकाबले में खड़ा करें तो मुंबई कितना पिछड़ा नजर आता है मुंबई सबसे पीछे है आप कोई भी सिटी ले लीजिए लास्ट ईयर बी के पास 6100 करोड़ का बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फॉर लास्ट फाइव बिन स्पेंडिंग एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा उन लोग खर्च नहीं कर पाते मीन्स यहाँ पैसा है रिसोर्सिस है प्रोजेक्ट्स है लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है काम करना नहीं है ये जितने भी टेंडर्स होते हैं एम के ऑफिसर्स के या बी के उनके दो या तीन साल के होते हैं और बाद में दे आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट जी आ, ये ऐसा शहर है जो चालीस हज़ार करोड़ रुपए स्टेट को सेंटर को अपनी तरफ से देता है इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो आ, सुधीर जी क्या अब वक्त आ गया है कि मुंबईकर जो है वो अब आ, आ, मांग करें इसकी क्योंकि मुंबई कर भी हमने ज़्यादा देखा नहीं कि है कि ज़्यादा एक्टिविज्म दिखाएं या इसकी मांग करें आ, अगर पानी भर रहा है तो पैंट ऊपर करके चले जाते हैं सब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि शायद अब वक्त आ गया है कि लोग अब मांग करें आपने चालीस हज़ार करोड़ की बात की मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं इस्पेशली ऑयल कंपनी हैं जहाँ पर रेवेन्यू बहुत मिलता है क्योंकि वो हेड ऑफिस हैं लेकिन प्रोडक्शन कहाँ होता है वो हमें ध्यान रखना है अभी जामनगर में बड़ा ये है क्या बोलते हैं रिफाइनरी है बड़ोड़ा में इंडियन ऑयल का बड़ा रिफाइनरी है वहाँ पर सब पैसे वहाँ आते हैं प्रोडक्शन वहाँ होता है लेकिन पैसे का हिसाब मुंबई में होता है और ये हिसाब मुंबई में आने के कारण हमें लगता है कि मुंबई यहाँ से चालीस हज़ार कोटी दिल्ली को देती है करके लेकिन यह सच नहीं है यह हमें ध्यान में रखना है ये कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये ध्यान में रखना है और हमारे लिमिट्स क्या है वो भी ध्यान रखना है बात इतनी है कि जो कुछ है वो बराबर इस्तेमाल करना है कम खर्चे में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी है वो लगा सकते हैं वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है हम लेना चाहते हैं जहाँ से पैसा ज़्यादा आए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लगाएं अभी आ, सी लिंक लगाया है और वे सोच रहे हैं कोस्टल रोड लगाने का ये किसके लिए केवल मुंबई में केवल तीन प्रतिशत लोग पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें से ही शायद एक तिहाई या एक चौथाई लोग शायद सी लिंक लें या उससे कम हो लेकिन उनके लिए ये तो खर्चा करने वाली बात है बीस हज़ार कोटी का खर्चा करना सोच रहे हैं लेकिन वे नहीं सोच रहे हैं कि सत्तर लाख लोग रेलवे में जाते हैं और किस अवस्था में जाते हैं जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हम केवल बात करते हैं पर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है वे केवल बोलते हैं कि मेट्रो लगा देंगे हम दे रहे हैं ना मेट्रो मेरे हिसाब से मेट्रो लाने के लिए सत्तर साल लगेंगे और जो कैपेसिटी उसके बाद आएगी वो केवल बहत्तर हज़ार लोगों को ले जाने की क्षमता होगी प्रति घंटे और आज जो ज़रूरी है वो एक लाख अस्सी हज़ार तो ये तो जो कि हो गया और मुंबई कर ऐसे ही बैठे हैं जैसे आपने कहा पानी आ गया तो फिर हम केवल पैंट ऊपर करके चलते हैं उसके बजाय रास्ते पर उतर कर सब बंद कर दें और सरकार को बताएं जब तक हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं लाते हैं हम रास्ता पर रोक देते हैं ऐसा करना है चाहिए नहीं तो सुनने वाले नहीं हैं ये लोग पॉलिटिशियन सुनते नहीं हैं ये पब्लिक को एक्चुअली एक्टिविज्म से आकर रास्ता रोकना ही है जी आ, नितिन लेकिन जी जो कुछ करना है शांति से करना है वो ध्यान में रखना है जी बिल्कुल आ, नितिन जी आपने जो बात कही माफ कीजिएगा सुधीर जी ने यहाँ पे बात करी मेट्रो की तो आ, पिछले कुछ पिछले एक साल में मेट्रो मोनोरेल इसका आ, आना हुआ मुंबई में और काफी मुंबई वाले जो थे उसको लेकर खुश थे लेकिन आ, एक टोकनिज्म सा लगता है जब आप उसे देखते हैं मोनो रेल इतनी सी मोनो रेल है इतने सारे लोग हैं चलती है कितने लोग उसमें जा पाते हैं आ, आ, शायद इस पर स्टडीज होती रहेंगी लेकिन आप क्या मानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कि मुद्दा सुधीर जी ने उठाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मुंबई पूरी तरह से फेल है या आ, अभी कोशिश कर रही है कोशिश सी ये जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पता है कि इसमें क्या किसको क्या फ़ायदा होने वाला है दे वेरी वेल नो कि ये सब प्रोजेक्ट्स हाई कैपिटल इंटेंसिव है और जब तक ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स आप इंटीग्रेटेड ना कर पाओ यू नो मोनो रेल टू मेट्रो रेल मेट्रो रेल टू सब अर्बन रेल टू टू द बस रूट्स ये जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है जो लाइन वन मेट्रो वन जो चालू हुई है 11 किलोमीटर आई थिंक वर्ल्ड शॉर्टेस्ट मेट्रो और जो उन्होंने खर्चा किया है विच इज़ एज गुड एज अंडरग्राउंड मेट्रो तो ये ये एक्चुअली एज ए सेट ये तो सब प्लान कंस्पायरेसी ही है पॉइंट जो बार बार सामने आता है वो जैसा कि हम रिसर्च में देख रहे थे सत्रह एजेंसियां काम कर रही हैं अलग अलग लेवल पर तो सुधीर जी आपको लगता है कि आ, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि सारी अलग अलग एजेंसियों को एक साथ काम करने के लिए अब एक नोडल एजेंसी बनाई गई है लेकिन क्या इस तरह का कुछ मुंबई में भी है या ये सत्रह एजेंसियां इंडिपेंडेंट तरीके से अलग अलग रास्तों पर अलग अलग वक्त पर चलती रहती हैं 2008 में मुंबई में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्या बोलते हैं उमटा करके बनाया गया था और जहाँ पर सब एजेंसी एक हेड के नीचे आई हैं, वहाँ डिस्कस होंगे प्रॉब्लम्स और वो सॉर्ट करने के बाद अलग अलग एजेंसियाँ अपनी तरफ से जाएंगी लेकिन आ, ये हर समय मिलते रहेंगे मीटिंग्स होते रहेंगी लेकिन आ, उस कमेटी का मैं एक सदस्य भी था लेकिन उसके केवल दो मीटिंग हुए उसके बाद नामो निशान नहीं है क्योंकि वो एम के अंदर उनको दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम एम आर डी ए का अलग ही इंटरेस्ट है क्योंकि एम एम आर डी ए का जो फंक्शन था केवल प्लान करने का और एग्जीक्यूशन नहीं था वे खुद अभी ये देने लगे कॉन्ट्रैक्ट देने लगे और उसका मतलब है कई लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है तो प्लानर प्लानिंग बॉडी प्लानिंग ही होनी चाहिए और सरकार उस प्लानिंग बॉडी का आदर करना चाहिए लेकिन वो करते नहीं थे इसीलिए प्रॉब्लम हुआ है यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आ, अगर आ, बीजिंग बैंकॉक जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाली और डेंसिटी वाली वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डेंसिटी कम है पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर भी बहुत है अगर वो आ, वो करके दिखा सकती हैं जो हम करना चाहते हैं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं तो क्या मुंबई में भी ये मुमकिन है और अगर मुमकिन है तो उसके लिए क्या जरूरी है नहीं बिल्कुल मुमकिन है अगर इंटेंशन सही सही ढंग का हो तो और ये आपने फारेस्ट की बात की या, या इवन मिडल ईस्ट में काम कौन करता है अपने इंडियन से वहाँ वहाँ जाके काम करते हैं तो ये तो एक अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो सब कुछ हो सकता है जहाँ तक ये स्काई वॉक की बात हुई स्काई वॉक क्यों बनाया गया कि पेडेस्ट्रेन को सुविधा हो तो एकदम सिंपल सॉल्यूशन उसका ये भी हो सकता है जितने भी रोड जहाँ जहाँ भी फ्लाई बने हैं एम स्काई वॉक बने हुए हैं वो सब स्टेशन सर्वर्बन स्टेशन को अप्रोच होते हैं तो अगर आप इवन यू नो पीक आवर्स में उसको पेडेस्टन जोन बना दो उससे भी काफ़ी सुविधा हो सकती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पेडस्टन जोनस आर एंकरेज यू नो तो ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है जी बिल्कुल आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने इसके लिए शुक्रिया आपका तो इस पूरी चर्चा में जो हमें समझ में आया वो तो यही है कि मुंबई में स्कोप बहुत है बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन जो सामने आ रहा है वो ये है कि इच्छा शक्ति सरकार में कम है पैसा खर्च करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं और जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है आखिरकार वो उन्हीं के लिए का जंजाल बन जाता है फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का लेकिन आगे आपकी कानूनी उलझनों का देंगे हल।